हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार जिस तरीके से मिल रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से मेरे साथ बनाए रखना हमेशा। और मेरा प्रॉमिस है मैं हमेशा आप लोगों के लिए नई नई वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। और आप लोग जो मुझे कमेंट करते हो, जो सजेशंस देते हो, मेरे लिए बहुत ही वैल्यूबल है। और हर एक का लाइक और हर एक का कमेंट का मैं आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो जो भी मोबाइल रिपेयरिंग इंडस्ट्री से हैं, चाहे वो फ्रेशर स्टूडेंट हो, चाहे वो एक्सपीरियंस कोई भी दोस्त हो हमारा, तो वीडियो को अगर आप देखते हो तो प्लीज़ शुरू से लास्ट तक देखें, और जिससे कि आपको नॉलेज सीखने को मिले, कुछ ना कुछ जरूर आपको सीखने को मिलेगा हर वीडियो में। और कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि देखिए आपका एक कमेंट ना कितनी पॉजिटिव वाइब्स देता है किसी भी क्रिएटर को, चाहे मेरे पे ही नहीं, किसी का भी अगर आप वीडियो देखते हो। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर बनता है, और हो सके तो उसको व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड, आज मेरे पास एक फ़ोन है जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। इस फ़ोन पे मैंने फॉल्ट फाइंडिंग की है और मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर की जाए, क्योंकि आप इस तरीके के फॉल्ट को ढूंढते होगे तो ज़रूर फंसते होगे और फॉल्ट को फाइंड करने में टाइम लगता है। तो हो सकता है आपकी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हो। तो चलिए अब मैं आपको सबसे पहले इस फ़ोन का फॉल्ट बताता हूँ। तो सबसे पहले हम डीसी चार्जिंग मशीन पर इसको लगाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ लगाया, यहाँ पे देख सकते हैं आप 5.2 वोल्ट है और 0.6 मिली एम्पेयर रन कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी इंडिकेशन नहीं आ रही है। मैं इसको निकाल के दोबारा से आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये देखिए कोई भी इंडिकेशन नहीं आ रही है। अब देखिए अभी बैटरी का पत्ता लगा हुआ है, अब इसको निकाल देते हैं। अब मैंने इसको निकाल दिया है बैटरी के पत्ते को, देखिए बिल्कुल साइड कर दिया है और फिर भी ये रीडिंग ले रहा है। और इसको मैंने डीसी मशीन से भी चेक किया है, तो डीसी मशीन का जो है, जो इसका बूट केबल है वो डैमेज है, मतलब जो यहाँ पर जो कनेक्टर होता है वो टूटा हुआ है। तो मैंने यहाँ से माइनस लिया हुआ और यहाँ से प्लस लिया हुआ है, तो उससे भी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। लेकिन आप सबसे पहले ये देखिए कि 0.5 एम्पेयर अपने आप रन कर रहा है बिना किसी बैटरी के कनेक्टिविटी के। तो इसका मतलब है कि इस फ़ोन में सबसे पहले शॉर्टिंग है, ठीक है। अब मैं आपको इसको डीसी मशीन से भी चेक करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं प्लस ले रहा हूँ इस जगह से, और इस वाले हिस्से से मैं माइनस ले रहा हूँ, और मुझे यहाँ पर इस जगह पर प्रेस करके रखना होगा और पावर बटन प्रेस करना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे पावर बटन को प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये कोई भी रिस्पांस नहीं कर रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा छेड़ा हुआ बोर्ड है, तो इसमें मुझे भी फॉल्ट फाइंड करने में टाइम लगा है, लेकिन मेरा तो काम ही यही है। और किसी को भी अगर मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है प्रोफेशनली, वो चाहता है कि कोई भी डेड मोबाइल उसकी शॉप से रिटर्न ना जाए, और जो फ़ोन वो रिटर्न करे वो दुनिया के किसी भी टेक्नीशियन से ना बने, क्योंकि देखो पैसे अपनी जगह है, लेकिन एक आपकी इमेज और एक आपकी गुडविल और एक आपका रिस्पेक्ट कस्टमर की नज़र में बहुत वैल्यूबल है। आपका कस्टमर जो उम्मीद के साथ आपको फ़ोन देता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे पास आने वाले किसी भी स्टूडेंट की शॉप से कोई फ़ोन रिटर्न हो और वो कहीं और ठीक हो जाए। लेकिन बशर्ते कि जो भी मेरा स्टूडेंट मेरे से ट्रेनिंग लेता है और एक उम्मीद लेकर आता है, तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मेहनत आपको ज़रूर करनी होगी, ठीक है। आप 100 करिए, मैं भी 100 करूँगा, तो 200% होंगे। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है। अब मैं आपको इसके आगे का प्रोसीजर भी चेक करके दिखाता हूँ। डीसी मशीन से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। अब मैं इसको आपको लैपटॉप से चेक करके दिखा रहा हूँ। ये क्वालकॉम बेस, क्वालकॉम चिपसेट है इसके अंदर लगा हुआ, मतलब क्वालकॉम प्रोसेसर है। तो इसको मैं आपको लैपटॉप से चेक करके भी दिखाने वाला हूँ। लैपटॉप से क्या चेक करके दिखाऊँगा आपको, क्योंकि जब मैंने इसमें फॉल्ट फाइंडिंग स्टार्ट करी थी तो जो चीज़ें मैंने फेस करी, मैं नहीं चाहता कि किसी और का जो है मतलब इस तरह के फॉल्ट उसके दुकान से रिटर्न जाए। तो जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, जिनको भी हमारे पास मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखने आते हैं, उनको तो हम एक एक चीज़ डिटेल में इसी तरीके से बताते हैं। तो वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से नॉलेज देते हैं, सेम वे में सिखाते हैं। तो अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर ये टाइप सी टू टाइप सी यहाँ पर केबल ले रखा है, जिसको कि मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर बैटरी का पत्ता लगाया मैंने और ये कनेक्ट किया। अब आप सुनिएगा, ऑटो पोर्ट क्रिएट हो रहा है, ऑटो पोर्ट बन रहा है।
अब मैं आपको इसको डिवाइस मैनेजर पे भी चेक करवा देता हूँ, आप देखते रहिएगा डिवाइस मैनेजर। ये देखिए डिवाइस मैनेजर मैंने खोल दिया है यहाँ पर, और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिख सके। और ये देखिए मैं यहाँ पर जैसे ही इस मोबाइल में यहाँ कनेक्ट करूँगा, आप देखिएगा कि यहाँ पर पोर्ट बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा पीछे करके दिखाइए, मोबाइल लीजिए सीन में दोबारा। देखिए मैं यहाँ से जैसे ही मोबाइल डिस्कनेक्ट करूँगा ना, तो आपको आवाज़ भी साउंड भी सुनाई दे रहा होगा, आई होप माइक रिकॉर्ड कर पा रहा हो। ये देखिए चला गया, ये देखिए चला गया, और जैसे ही कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर क्वालकॉम का USB क्यू लोडर 9008COM18 पोर्ट बन रहा है यहाँ पर। तो ये ऑटो पोर्ट बन रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो इस केस में आपको क्या फॉल्ट ढूंढना है वो मैं आज आपको बताऊंगा, और किस तरीके से इस फॉल्ट का सलूशन होता है। तो ये पोको का M3 है, और पोको M3 और Redmi 9 Prime दोनों के मदरबोर्ड बिल्कुल सेम है, और सेम ही तरीके का फॉल्ट आता है। तो उम्मीद है कि अगर आप में से कोई भी भाई हमारी ये वीडियो को देखेगा तो वो 100% इस फॉल्ट को ठीक कर लेगा इस वीडियो को देखकर। और अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, इस तरीके का कोई और फॉल्ट भी आता है तो हम उसकी भी वीडियो बना के ज़रूर आपको अपने एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे देंगे। और जिनको भी मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना है वो अपना नेक्स्ट मंथ की रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, मतलब नेक्स्ट बैच का जो रजिस्ट्रेशन है वो चालू हो गया है। तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, बीच में किसी और की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 9654219510 ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप जब भी कांटेक्ट करेंगे अगर आपका कॉल पिक ना हो पाए तो आप व्हाट्सएप करके ज़रूर छोड़ दें, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। तो अब इसमें क्या फॉल्ट है मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बोर्ड की कंडीशन दिखाऊंगा, जिसको देखकर आपको लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है बोर्ड की। और कई लोग ना ट्वीज़र से या फिर किसी ना किसी नोकीली पैनी चीज़ों से शील्ड निकालते हैं, तो शील्ड निकालने में ना प्रिंट वगैरह भी डैमेज कर देते हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया कि सर प्रिंट डैमेज बोर्ड को कैसे रिपेयर करें, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए उसके ऊपर भी एक वीडियो लाऊँ। और मैं सभी भाई बंधु से कहूँगा जो इस फील्ड में रिपेयरिंग करते हैं, प्लीज़ किसी के भी बोर्ड को डैमेज ना करें, क्योंकि कई बार आपकी गलती से कस्टमर का डाटा फंस जाता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया बोर्ड कितना डैमेज है, मैं यहाँ रख के दिखा देता हूँ, या यहाँ चेक करवा दीजिए। ये देखिए यहाँ पे बोर्ड देखिए किस तरीके से छेड़ा हुआ है, डैमेज है। ये देखिए प्रिंट यहाँ से पूरा उखड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके दूसरे साइड का हिस्सा भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए अब बात करते हैं कि ऑटो पॉट जो बनता है, जैसे कि फॉल्ट जब ढूंढते हैं तो समय लगता है, तो कभी भी अगर ऑटो पॉट की समस्या आती है तो आपको क्या चेक करना चाहिए और किस तरीके से इस फॉल्ट को डायग्नोस करना चाहिए कि आपको जल्दी ये फॉल्ट मिल जाए। तो सबसे पहले आपको फ़ोन के अंदर में शॉर्टिंग चेक करनी है मल्टीमीटर की मदद से। ये मल्टीमीटर है अपना, और मैं यहाँ पर आपको इस फ़ोन के अंदर में चेक करवाता हूँ कि फॉल्ट जो हमने ढूंढा है वो कहाँ पर मिला है हमें। देखिए इसमें ऑटो पॉट के केस में इसी मॉडल के अंदर में, मतलब पोको M3 और रेडमी 9 प्राइम में, इस जगह पर भी काम करने पर ऑटो पॉट की समस्या ठीक हो जाती है। इस जगह पर भी आप देखेंगे कि कई बार यहाँ पर फॉल्ट होता है, मैंने भी फेस किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हमें यहाँ पर फॉल्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमें पहले ही फॉल्ट मिल गया। अब आपको मैं बताता हूँ कि फॉल्ट इसमें किस लाइन में है, और जब भी आपको ऑटो पॉट की समस्या आए तो आप EMMC की वोल्टेज लाइन को ज़रूर चेक करें, क्योंकि जो ऑटो पॉट की समस्या होती है वो तो बेसिकली रीजंस तो उसके बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप अपना फर्स्ट स्टेप जो है वो EMMC की वोल्टेज चेक करने पर करें, मतलब वोल्टेज लाइन को चेक करें। आप देखिए इसके सबसे पहले मैं कैमरे को थोड़ा साइड कर देता हूँ और आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए लाइट ऑन कर दिए मैंने इसकी, और मैं आपको लेकर आता हूँ सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम के ऊपर।
डायग्राम में आपको जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से समझना। कभी भी अगर आपको पोको M3 या किसी भी क्वालकॉम चिपसेट में ऑटो पोर्ट की समस्या आए तो U2000 जैसे इसमें EMMC चिप है, ठीक है, EMMC चिप है। अब आते हैं हम यहाँ पर, इसकी वोल्टेज आपको चेक करनी है। यहाँ से नहीं प्रेस हो रहा है कीबोर्ड, ठीक है। अब हमने इसको सर्च किया, सर्च करने पर आपको कहाँ पर आना है मैं बता देता हूँ। देखो जैसे ये EMMC है तो इसके पार्टीशन जैसे 2001 है तो ए बी सी डी कई कैटेगरी आएंगे। देख समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे देखिए सी आ गया, बी आ गया, ई आ गया। तो ये जो है पार्टीशन में डिवाइडेड है, मतलब इसके नीचे जो बॉल्स हैं जैसे लाइक 221 बॉल या 254 बॉल या 169 जितने भी EMMC के बॉल होते हैं। अब जैसे ये देखो UMCP LPDDR4X, ये रैम वाले ट्रैक हैं, ये रैम के प्रोटोकॉल्स हैं। तो आपको फॉल्ट जो मिलेगा ना ऑटो पोर्ट के केस में वो मिलेगा EMMC की वोल्टेज लाइन पर। मोस्ट ऑफ केस में मैंने यही पाया है, और आप अगर इस फॉल्ट को फेस करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहाँ से फॉल्ट मिला। अब जैसे देखिए EMMC की, जैसे कि आप UEFI बॉक्स अगर चलाते हैं कोई भी बॉक्स, तो VCC और VDD, तो VCC सॉरी VCC और VCCQ, ये दो सप्लाई आपने देखी होंगी। ये दो सप्लाई लाइनें जो होती है जैसे खासतौर पे 1.8 इस लाइन में शॉर्टिंग, या जैसे 2.96, तो ये आपको 3.3 भी मिल सकता है, 2.8 भी मिल सकता है, 2.96 भी। तो ये आपको डायग्राम में मेंशन होता है। जैसे आपका कई बार EMMC कनेक्ट नहीं हो रहा होता UFS मतलब UFI बॉक्स से, तो आप इसका वोल्टेज मतलब आप ऑटो मतलब सेलेक्ट करके रखते हो तो आप उसको मैनुअली चेंज करके देखते हो। तो आप डायग्राम से देखिए कि कितना वोल्टेज VCC चाहिए और कितना VCCQ को चाहिए। तो यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले चेक करवाता हूँ, फॉल्ट जो है मुझे इसमें 2.96 वोल्टेज वाली लाइन में मिला है। दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे लाइक इस लाइन का C2003, ये कैप जो है वो कहाँ लगा हुआ है दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये लगा हुआ है यहाँ पर, इस जगह पर लगा हुआ है। सर थोड़ा इधर करिए, माइक्रोस्कोप के नीचे ही ले ले। तीनों कंपोनेंट लाइन से हैं, जो स्क्रीन है वो माइक्रोस्कोप पे शिफ्ट कर दीजिएगा। क्लियर है, ये देखिए जैसे ये तीनों कंपोनेंट लाइन से लगे हुए हैं यहाँ पर। एक बार यहाँ पर डायग्राम पे थोड़ा सा स्क्रीन पे भी दिखा दीजिए, C2003, C2001, ये देखिए लाइन से हैं, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको स्कीमेटिक से भी दिखा देता हूँ, ये देखिए 2001, 2002, 2003। तो मैंने तो फॉल्ट इसमें ट्रेस कर रखा है। आप दोनों लाइनों को चेक करना, जब भी चेक करना तो दोनों लाइन को चेक करना। ये अपना जैसे ये 1.8 का वोल्टेज है इसके ठीक नीचे, जैसे ये VCC है, ये VCCQ है, तो मुझे इसमें जो VCC वाली लाइन है इसमें शॉर्टिंग मिली है, ठीक है। अब मैं आपको ये चेक करवा के दिखाता हूँ, जैसे कि आप भी इस तरीके के फॉल्ट आने पर इसको रिजॉल्व कर सके। अभी इन में से शॉर्ट कौन सा है ये मैंने निकाल के नहीं चेक किया, जब फॉल्ट डायग्नोस हो गया था तो मैंने कहा जस्ट आपके साथ भी ये नॉलेज शेयर करनी चाहिए। ये देखिए इस साइड भी बीप आ रहा है, सर यहीं से ले लीजिए और माइक्रोस्कोप की रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। मेमोरी कार्ड इसके अंदर होगी, कार्ड रीडर में मैं लगा देता हूँ, कोई नहीं, आप वीडियो प्लीज़ पॉज मत करना। डाटा कॉपी लेते हैं ना तो कई बार हमें कार्ड रीडर का यूज़ करना पड़ता है। ऑन कर दीजिए रिकॉर्डिंग, कर दिया आपने।
ठीक है, थैंक यू। तो अब थोड़ा आप मेरे हैंड कैम भी रिकॉर्ड कर लेंगे ना, तो जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं वो, मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ उनसे छूटे, उनको पूरा नॉलेज मिले, मैं यही चाहता हूँ। ऐसे में ज़्यादा बेस्ट आएगा या इस तरह से रिफ्लेक्शन ना आए, मल्टीमीटर अच्छे से दिखे? ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने लिया यहाँ से ग्राउंड, ये रेड वाली वायर रखी मैंने ग्राउंड पे, यहाँ पर ये आ रहा है पूरा सीन में। ठीक है, ये देखिए, क्या आपका ये हिस्सा भी बीप दे रहा है? ये भी, ये हिस्सा भी बीप दे रहा है, ये भी, ये हिस्सा भी बीप दे रहा है, और ये भी हिस्सा। तो यहाँ पर जो है बीप जो है वो हर साइड आ रहा है, देखिए बीप है, बीप है। मल्टीमीटर कवर करिए, और पास रखूँ मैं यहाँ अभी? ठीक है, ये देखिए, ओहो ग्राउंड से हट गया है। ये देखिए बीप है, बीप है, बीप है, बीप है, बीप है, बीप है। तो ये जो बीप आ रहे हैं इस लाइन में शॉर्टिंग है, तो ये तीनों में से कौन सा कैप खराब है? तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी फॉल्ट मिल जाए, वायर टच हो रही है, अगर आप चाहते हैं जल्दी फॉल्ट मिल जाए, तो तीन कैप अगर हैं तो तीनों को एक लाइन से एक साथ निकाल दें। मैं अब फिलहाल इस तीनों कैप को एक साथ निकालने वाला हूं। थोड़ा सा फ्लक्स की जरूरत है यहाँ पर, और ये पुरानी टेप ही हम यूज़ कर लेंगे, कनेक्टर को प्रोटेक्शन दे देते हैं। कैमरे में आ रहा है माइक्रोस्कोप के? ठीक है, तीनों कैप को हम साथ में निकालेंगे, और जो सही होगा उसको वापस लगा देंगे, और जो शॉर्ट होगा उसको रिमूव कर देंगे, जिससे कि वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये रिमूव कर दिया है, अब हम इसे चेक करेंगे एक एक करके। थोड़ा सा ये जॉइंट हो रखा है, इसको पहले मैं साइड कर दूँ। चेक करेंगे हम इन्हें, मल्टीमीटर यहाँ रख लेते हैं, ये सर इन्हें चेक कर लेते हैं। देखिए मल्टीमीटर आ रहा है, बीप नहीं दे रहा, बीप नहीं दे रहा। ट्यूजर में चिपक गया, सॉरी ये तो मीटर में ही चिपक रहा है पेस्ट की वजह से। ये देखिए बीप दे रहा है, ये शॉर्ट कैप है, ये कैप जो है। अब हम इसको चेक करके आपको दिखाएंगे। इसको ना यहाँ रख लेते हैं, कहाँ गया? के ऊपर नज़र नहीं आ रहा मुझे, तो नीचे वाले टेप पर, नीचे आ गया है इसमें, वही टेप के ऊपर नीचे वाले टेप पे। इधर दिखा दो ना मेरे को डायरेक्ट, मेरी नज़र से ओझल हो गया है वो। इधर आया था कहीं, टेप उठाई ना अपने, हट गया वो, कहाँ गया? बोर्ड बोर्ड ही लगा एक बार, ये रहा, ये रहा, ये रहा। वहाँ चिपक रहा था ना, इसलिए हटा दिया मैंने। कैमरे में नहीं आ रहा? जब आ जाए कैमरे में तो बता दीजिएगा आप। आ गया, ठीक है, लाइट बहुत कम है इसकी।
ये देखिए बीप दे रहा है, ये शॉर्ट कैप मिल गया है हमें, तो ये कैप शॉर्ट था जिसकी वजह से ऑटो पोर्ट बना रहा था और डेड भी इसी वजह से था। तो अब इसको जो बाकी इसके अलावा जो दो हैं जो सही मिले हैं उन्हें हम वापस लगाएंगे और शॉर्ट कैप जो है उसको नहीं लगाएंगे। तो वापस से हमें टेपिंग करनी है। ये EMMC की लाइन में प्रोटेक्शन के लिए लगी हुई होती है और फिल्ट्रेशन के लिए वोल्टेज जो जाता है PMIC से। कैमरे में आ रहा है, ये लग गया। अब हम इसमें आपको वापस से चेक करवाते हैं कि शॉर्टिंग है अभी लाइन में या नहीं है, क्योंकि शॉर्ट कैप तो हमने हटा दिया है क्योंकि हमने ढूंढा था। अब वापस से एक बार मैं शॉर्टिंग चेक कर रहा हूँ। एक चीज़ का ध्यान रहे, जब बोर्ड गर्म होता है तो कई बार आपको दोनों साइड भी बीप मिल जाता है, लेकिन देखिए अभी इस साइड बीप नहीं आ रहा और इस साइड बीप है और यहाँ पर शॉर्टिंग थी पहले। तो कैप का एक हिस्सा ग्राउंड है और कैप का दूसरा हिस्सा जहाँ पर बीप आ रहा था वो बीप नहीं दे रहा है। अब मैं आपको इसको डायोड की रेंज से भी चेक करवाता हूँ, यहाँ पे GR आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए ये GR अभी थोड़ा कम आएगा क्योंकि जब बोर्ड गर्म होता है तो GR डिफरेंट दिखाता है। अभी देखना बोर्ड जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे GR बढ़ता जाएगा। जैसे आप कई बार हाफ शॉर्टिंग ठीक करते हैं तो आपको लगता है कि शॉर्टिंग ठीक हो गई, लेकिन जैसे जैसे बोर्ड ठंडा होता जाता है तो फिर से शॉर्टिंग दिखाने लगता है। तो बोर्ड जब गर्म होगा तो आपको GR चेक करने का कोई मतलब नहीं है, बोर्ड को ठंडा होने के बाद ही GR एक्यूरेट दिखाएगा आपको। तो चलिए अब ये शॉर्टिंग तो रिमूव हो गई है, अब मैं आपको ये चेक करवाता हूँ कि ऑटो पोर्ट की जो समस्या थी वो रिजॉल्व हुई या नहीं हुई है। बोर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है और दूसरे टेक्नीशियन ने इस पर काम जो भी किया हो या जिसने भी सील्ड किसी ने तो निकाली होगी ग्राहक के फ़ोन की, तो इस तरीके की सील निकालने पर ग्राहक का फ़ोन बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में हो सकता है, अनरिपेयरेबल हो जाए, किसी शॉप और शॉप पे जाए और ज़्यादा ख़राब कंडीशन हो जाए। तो जिन लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है उन लोगों को कोर्स ज़रूर करना चाहिए, या जिन लोगों ने पहले किया है और अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा किसी इंस्टीट्यूट में या किसी भी जगह, ज़्यादा स्टूडेंट थे नहीं सीख पाए या उनको अच्छे से सिखाया नहीं गया, उनके साथ बुरा ट्रीट हुआ, तो वो लोग, उन लोगों के लिए ही मैं हूँ, ठीक है। जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो तो देखिए वो ये देखते हैं कि हमें क्या कहते हैं टच भी लगाने के लिए माइक्रोस्कोप मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब ग्लास लगाने के लिए भी उनको माइक्रोस्कोप पे बिठा दिया जाएगा। कंपोनेंट जो छोटे मोटे काम है जो बिना माइक्रोस्कोप के होते हैं, मान लीजिए एक पत्ता भी लगाना है तो वो माइक्रोस्कोप में ही देख के लगाएंगे, तो दिखावे में बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। लेकिन नॉलेज जो होती है ना वो कभी भी दिखावा नहीं करती किसी चीज़ का। तो डिवाइस मैनेजर में देखिए मैं इसको ऑटो पॉट चेक करता हूँ, तो देखिए ऑटो पॉट नहीं बना और वाइब्रेशन मुझे आया है, ठीक है, ऑटो पॉट नहीं बना है। यहाँ पर क्वालकॉम का जो 9008 वाला जो बनता है, देखिए ये अभी ये जो आया है कनेक्टिविटी आई है फ़ोन की, ऑटो पॉट अब क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है, और ये फ़ोन जो है फ़िलहाल ऑन हो गया है लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आया है, यानी इसके अंदर शायद कुछ और भी प्रॉब्लम है जो कि मुझे देखनी होगी। मैं भी आप लोगों के साथ बिल्कुल लाइव रहूँगा। ये देखिए ई ड्राइव बन रहा है यहाँ पर, लेकिन फ़ोन प्रॉपरली जब ऑन होगा तो ही हम इसके अंदर एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है, एक बार DC सप्लाई से अब इसको चेक करके देखते हैं। ये एक जम्पर निकल गया है, इस जम्पर को मुझे वापस लगाना होगा,
क्योंकि मैंने आपको बता रखा बूट केबल डैमेज है और बिल्कुल भी मैं लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं रिपेयरिंग सिखाने वाला हूँ, दिखावे नहीं करता मैं। और ऐसा कभी नहीं कहता कि मेरे अलावा कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि जो लोग ये बात कहते हैं उन्हें शायद ठीक से नॉलेज नहीं होती, इसीलिए वो ये चीज़ कह के खुद को बड़ा और नंबर वन प्रेजेंट करना चाहते हैं। नंबर वन कौन है ये किसी दिन कॉम्पिटिशन हुआ तो उस दिन ज़रूर पता लगेगा। लगजा प्यारे, थोड़ा सा फ्लक्स देना होगा जिससे कि ये जम्पर कनेक्ट सही से हो, क्योंकि शोल्डर भी ड्राई शोल्ड हो जाता है। अब देखो बढ़िया से चिपक जाएगा ये। और अब हम इस फ़ोन को डीसी सप्लाई से चेक करेंगे। तो पहले मैंने इसे डीसी से जब चेक किया था तो इसने हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया था, लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने वाइब्रेशन फील करी है अपने हाथ में, जो कि मैं वीडियो में नहीं कर सकता एक्सप्लेन। अब देखो ये फिर से टूट गया है यार जम्पर। माइनस प्लस, अब मुझे इसका पावर बटन प्रेस करना है, और बटन प्रेस करने के बाद मैं आपको डीसी का रिस्पॉन्स दिखाऊंगा कि क्या आता है। ये देखिए फोन ऑन हो गया। फोन ऑन हो गया है, लेकिन वही कुछ ना कुछ जम्पर दिक्कत कर जाता है, वाइब्रेशन आ गया है। चलिए कोई नहीं, अब आपको मैं इसमें देख लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। पूरा दिखाऊंगा मैं इसको आपको, प्रॉपरली ऑन करके ही दिखाऊंगा। एक बार बोर्ड को अच्छे से मुझे दोनों साइड देखना है। देखिए यहाँ पर ना आपको पानी गिरे हुए का निशान भी दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे आई थिंक ये स्पीकर के ट्रैक का होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वाइट 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 जमा हुआ है। ठीक है चलो, तो यहाँ से तो प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका एक बार लाइट सेक्शन देखना है। क्योंकि वाइब्रेशन मुझे खुद से फील हुई है, ये इसका कनेक्टर है, तो इस पर सिंगल कनेक्टर है अपना, तो इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। मतलब डिस्प्ले और यूएसबी का पत्ता जो है वो सेम में ही है। इसको थोड़ा शिफ्ट कर दीजिए, इसको बंद कर दिया इसके रिकॉर्डिंग को। अब देखिए यहाँ पर मैंने डिस्प्ले कनेक्टर को सर्च किया है और मुझे इसमें से डिस्प्ले, इसमें एलसीडी लाइट लगी हुई है, तो ये एनोड वाली लाइन चेक करनी है। ये एनोड लाइन है, तो मुझे लाइट सेक्शन पर जाना है इसके, क्योंकि जब वाइब्रेशन आए और स्क्रीन ना आए तो या तो वीएसपी वीएसएन मिस मिलता है, और नहीं तो एनोड कैथोड लाइन मिस मिलता है। तो इसकी लाइट आईसी जो है वो है U2732। तो अब इसे लेआउट में देख लेते हैं कहाँ पर है ये 27।
27 32। ये देखिए ये लगी है इसकी लाइट आईसी, यहाँ देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये है इसकी लाइट आईसी ये, और यहाँ से शील्ड उखाड़ा हुआ है इस तरीके से। यहाँ तो बहुत बुरा डैमेज है, यहाँ पे भी बहुत बुरा डैमेज है, तो लाइट सेक्शन भी छेड़ा हुआ है इसका। और देख सकते हैं आप ये कॉइल हिला पड़ा है अपनी लोकेशन से ये भी, और यहाँ से कुछ निकला हुआ भी है। तो एक बार मैं डायग्राम में देखूँगा कि यहाँ से क्या लगा हुआ था। मतलब कॉइल हिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हिलने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जो मिसिंग पार्ट है वो यहाँ से डायोड मिसिंग है। अब ये डायोड किस फंक्शनैलिटी के लिए लगा हुआ है, फॉरवर्ड है रिवर्स है क्या है, ये देख लेते हैं। देखिए ये डायोड है जो मिसिंग है यहाँ पर, तो स्विचिंग होके जो वोल्टेज आउटपुट होना होता है उसके बीच में डायोड लगा होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और डिस्प्ले की लाइट नहीं आने पर आपको कॉइल या फिर आईसी का प्रॉपर वोल्टेज ना बनना या बक जो इस रास्ते में मतलब बूस्ट कॉइल लगा हुआ उसके ख़राब होने का रीज़न रहता है। अब जैसे देखो ये रजिस्टर है, इसको भी देख लेते हैं इस लाइन में है या नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी फॉल्ट पॉसिबल है। तो कॉइल के ठीक नीचे वो रजिस्टर है, तो देखिए उस लगा हुआ है, वो यहाँ पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है यहाँ दिखाइए, ये देखिए यहाँ पे ये कॉइल है, ये रजिस्टर लगा हुआ है। तो ये डायोड जो मिसिंग है, ये डायोड हमें किसी बोर्ड से निकाल के लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं पाउज लूँगा क्योंकि मुझे वो डायोड ढूँढने में समय लगेगा। तो बोर्ड जो है हमने एक सर्च कर लिया है, जिस बोर्ड से कि हम एक डायोड लेंगे क्योंकि इसमें डायोड मिसिंग है। डायोड आ गया बाहर, अब ये डायोड का साइज जो है बड़ा है और इस बोर्ड में होता है छोटा डायोड। तो आप इस तरह का जो ये छेड़ा हुआ बोर्ड आया, इससे आपको आज एक एक्स्ट्रा चीज़ सीखने को मिलेगी कि कोई भी डायोड से आप लाइट कैसे ठीक कर सकते हो। लेकिन वो लाइट सेक्शन की ही होनी चाहिए। इसमें मैं माइक्रोस्कोप की सीन रिकॉर्ड नहीं लेने वाला हूँ, डायरेक्टली मैं आपको मोबाइल कैम से ही दिखाने वाला हूँ। या एक काम करिए, ले लीजिए सीन माइक्रोस्कोप का भी, उसको HDMI 1 पे कर दीजिए। आ रहा कैमरे में ठीक, क्लियर है। सर्जिकल ब्लेड अच्छा हाँ, मीटर में मैंने फंसा रखा है, बिल्कुल ठीक है।
एक साइड लग गया, अब हमें दूसरे साइड लगाने की ज़रूरत है। जंपर जो है वो छील के लगाना है, स्क्रैच करके आगे से, क्योंकि इस पर कोटिंग चढ़ी हुई होती है, तो वो अगर कोटिंग आप नहीं हटाएंगे तो वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। देव नहीं आ रहा सीन में, अभी लाते पकड़ गया उसको, क्या चिपक गया, आ गया ठीक है। अरे यार ये भी निकल गया पकड़ने के चक्कर में, चलो कोई बात नहीं, उसको दोबारा लगा देते हैं। आई थिंक थोड़ी सी पीपीडी की हमें हेल्प लेनी चाहिए। ये पीपीडी का बहुत अच्छा कमाल है, दूर से भी चिपका देगा। लग गया, अब हमें इसके दूसरे हिस्से को भी छीलना होगा। अब ये डायोड जो है हमें लगाने से पहले इसका डायरेक्शन जो है हमें वो क्लियर करना होगा, एनोड और कैथोड का। तो मैं उसके लिए थोड़ा सा इसको पहले क्लीन कर लेता हूँ। ग्लू रिमूवर ही दे दीजिए, पीछे से क्लीन नहीं हुआ। तो डायरेक्शन नज़र आना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए डायरेक्शन दिखने लग गया, तो ये जो लाइन है ये इसको लाइन को देख के लगाना है। जो एनोड वाला हिस्सा है वो इस साइड लगेगा। अब इसको मैं पहले छील लेता हूँ इसके दोनों साइडों को, और एक्स्ट्रा शोल्डर जो होगा वो भी हटा देंगे। और जैसे देखिए एक्स्ट्रा यहाँ पर शोल्डर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। फ्लक्स की मदद लेनी है, नहीं आ रहा सीन ठीक है भाई। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है वो, तो कटर से मैं एडजस्ट कर देता हूँ। छिल थोड़ा ज़्यादा गया है वो, अगर ज़्यादा छिला हुआ रहेगा तो दूसरों को कनेक्ट करेगा आपस में।
मतलब शॉर्टिंग का रीज़न बन सकता है। ये लग गया अपना कैथोड साइड, अब लगाना है हमें एनोड साइड। अभी भी ये थोड़ा भरा है, इसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जो छिल जाता है, जैसे कोटिंग हट जाती है एक्स्ट्रा एरिया से, उसको ज़रूर कट कर लेना है कभी भी। तो ये यहाँ भी लग गया है, अब इसकी फिटिंग बाद में देखेंगे, पहले हम इसको देखते हैं कि सक्सेस हुआ या नहीं। डिस्प्ले किधर है, फिटिंग जो है वो हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कभी भी। अब एक बार चार्जिंग पे लगा के आपको मैं चेक करवाता हूँ। जैसे कि जब ये ऑटो पोर्ट बना रहा था तो 0.6 ऑटोमेटिकली ले रहा था, तो ये देखिए यहाँ पर पोको लिखा हुआ आ गया। तो मैंने यही कहा कि मेरे को वाइब्रेशन फील हुआ था, और अब मैं आपको इसको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। पहले बोर्ड सेट कर दूँ मैं, तो ये देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बुरी तरीके से छेड़ा हुआ बोर्ड, जिसमें हमें शॉर्टिंग ऑटो पोर्ट बनाने की जो शॉर्टिंग है वो यहाँ से मिली थी इस जगह से, और यहाँ से लाइट सेक्शन छेड़ा हुआ था जहाँ से डायोड मिसिंग था, और ये मैंने डायोड का जुगाड़ किया है, मतलब अपना नॉलेज यूज़ किया यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर एक चाइनीज़ की मतलब फ़ोन के बोर्ड के अंदर से निकाल के यहाँ पर डायोड लगाया है, और ये फ़ोन ऑन हो गया है। अब यहाँ पर पासवर्ड लगा हुआ है तो मुझे मालूम नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और किसी को भी अगर मुझसे बात करनी है, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना है, तो 9654219510 ये डायरेक्टली आपकी बात मुझसे होगी इस नंबर पे, क्योंकि ये हिमांशु सर के नंबर है, ठीक है, मतलब मेरा नंबर है, और इस पे आप कॉल और व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। अगर आपका कॉल किसी भी कारण से पिक नहीं हो पाता है तो बुरा नहीं लगना चाहिए आपको, प्लीज़ बुरा मत मानना अगर लगे भी तो, और एक प्यारा सा मैसेज ड्रॉप ज़रूर कर देना। तो आपने देखा इसमें कि ऑटो पोर्ट का जो प्रॉब्लम होता है मैंने आपको दिखाया इस वाले वीडियो में, जो कि मैंने ऑलरेडी ट्रेस कर रखा था, बट मेरे को आइडिया नहीं था कि मैं ऑटो पॉट ठीक कर लूँगा उसके बाद भी इसकी स्क्रीन पे मुझे ये काम करना पड़ेगा, तो इसके वजह से वीडियो लंबी हो गई। और तो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु कुमार आपसे इजाज़त लेता हूँ इस वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।